तो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त UKPSC स्टार्ट पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक जानकारी और एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज आपका यूके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज आपका UKPSC ने एक नोटिफिकेशन जो कि जारी किया है, आपका रिजल्ट इसका आना था, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी का इसका रिजल्ट आज तक आ जाना था आपका, बाकी ये रिजल्ट नहीं आया। आज इन्होंने जो कि इसमें आपके प्रत्यावर्तन जो कि आपके निस्तारण आदेश दिया है, तो देखिए आपका 30 जुलाई। तो देखिए दोस्तों, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पशुपालन विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 परीक्षा 2023 के संबंध में क्या कार्यालय ज्ञाप संख्या जो कि 68-72-02-DR पशु चिकित्सा अधिकारी 7/2/2021-22 जो कि दिनांक 26 जून 2024 को के द्वारा अनहार अभ्यर्थियों की सूची जो कि अंकित अभ्यर्थियों को अपनी अनहारता के संबंध में प्रत्यावेदन एवं वांछित अभिलेख सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की विभागीय अनापत्ति जो कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का निश्चित समय प्रदान किया गया था, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित वांछित अभिलेख प्रत्यावेदन जो कि विचार किया गया, बाकी वांछित अभिलेख प्रत्यावेदन मान्य आयोग द्वारा विचार किया गया, समय विचारण मान्य आयोग द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को निम्नवत निर्देश। तो देखिए, इन अभ्यर्थियों को जो कि आहार घोषित किया गया है, तो देखिए अभ्यर्थीगण जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि अभ्यर्थी द्वारा अनु पायल तिवारी, दीक्षा उर्पे उप्रेती, बाकी सीमा सलीम जो कि इनको जो कि अस्वीकार कर दिया है। बाकी ये देखिए दोस्तों, आपका जो कि UK SSSC का भी आज कुछ बोला था इन्होंने, आई मीन रिजल्ट का, तो अभी तक आया नहीं है, तो देखिए कल भी आ सकता है आपका, शनिवार तक आपकी चांस है। बाकी सबसे मेन मुद्दा ये रहा है कि UK SSSC का एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं आ रहे है? तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो कि आप जो नई भर्तियां आएगी आपकी, पहली नई भर्ती जो कि आपकी कनिष्ठ आई के आपका स्टेनो है और आपका सिंचपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कॉन्स्टेबल है, पटवारी की दे भी सकते नहीं दे सकते। बाकी ये जो कैलेंडर होगा आपका, क्योंकि जून 2024 तक ये पेपर भी होंगे आपके जो नई भर्तियाँ, या अब नए कैलेंडर जो कि जारी करने वाला है UK SSSC, तो इसमें थोड़ा इसमें कुछ देर लग रही है, जिस कारण कल भी आ सकता है, क्योंकि मैं इस हफ्ते भी बोला था, आयोग ने तो बोला था, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो देखिए अभी तक इसमें कल रैली भी हुई, बाकी कल क्या क्या मांगे रही बेरोजगार की, तो देखिए उन्हें भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कल की मांगे की बात की जाए तो देखा होगा आपने आंदोलन, तो देखिए 7 साल से रुकी TG2 UPCL पिटकुल भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, सबसे पहले जो कि पहला बिंदु यही था इसमें। दूसरा बिंदु आपका, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाओ, विज्ञप्ति जारी की जाए, ये भी आपका इसमें मुद्दा था। बाकी कल अब एग्जाम जो कि आपकी संयुक्त परीक्षाओं की वेटिंग में वेटिंग के प्रावधान का शासन आदेश जो कि जारी करें, क्योंकि जो आपको पता होगा कि कल अब एग्जाम इन्होंने वेटिंग सिस्टम 25% कर दिया था, इसको इन्होंने बिल्कुल रद्द करने की मांग की है और पूरी की पूरी वेटिंग आपकी इसमें आनी चाहिए। बाकी कृषि और उद्यान पशुपालन का रिजल्ट जारी हो, फॉरेस्ट गार्ड में भी चौथा पांचवा मुद्दा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती उम्र सीमा बढ़ाई जाए, बाकी तत्काल और विज्ञप्ति जारी की जाए और पॉलिटेक्निक लेक्चर में 55% अनिवार्य 55% हो, विभिन्न विभागों में जो कि आपके रिक्त AE और JE भर्ती का हर साल जो कि कैलेंडर जारी हो, तो हर साल आपका कैलेंडर भी जारी हो। बाकी एक मुद्दा ये भी था UK SSSC का, अगर आप कैलेंडर जारी करते हो तो उसमें नियुक्ति की तिथि भी अंकित की हो, तो दोस्तों ये मांगे रही है। बाकी आपका इसी हफ्ते या अगले हफ्ते भी, क्योंकि टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि चीज़ें होने में, आपके कनिष्ठ सहायक में आपकी जो कि पदों की संख्या बढ़ रही है, सुनने में 300-400 आ रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तक जब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आई है, फिलहाल अभी 210 पद हैं इसमें पद, क्योंकि अन्य कार्मिक विभाग और विभागों से पद लिए जा रहे हैं आपके कनिष्ठ सहायक, तो हो सके 210 आपका इसमें 100-150 पद आपके ऐड हो के 350 या 300 पदों पर या 420 भी हो सकते हैं कनिष्ठ सहायक आ जाए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव मुद्रा जय।